जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग इंडियन इन्फोटेक कंपनी के बारे में बात करेंगे। अभी धीरे धीरे इसका शेयर में रिकवरी हो ही रहा था, तब तक फिर से एक बार 7 फरवरी के दिन इसमें लोअर सर्किट लग गया और इसका शेयर प्राइस एक बार फिर से डाउन जा रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानने का प्रयास करेंगे कि अब लोअर सर्किट कब ब्रेक होगा ताकि शेयर प्राइस ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे, साथ में जो नए लोग हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है और वो लोग जो लोग पहले से इस कंपनी के शेयर बाई कर चुके हैं उन्हें अब क्या करना चाहिए, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी निकल कर सामने आ रहे हैं इस कंपनी से रिलेटेड, तो उसका इसके शेयर प्राइस पर क्या असर पड़ेगा, हर एक चीज़ के बारे में तसल्ली से बात होगी। बने रहिए वीडियो के अंत तक। आइए शुरू करते हैं। देखिए, इस कंपनी का पूरा नाम है इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड। सॉफ्टवेयर लिमिटेड भले इस कंपनी के नाम में लगा है लेकिन कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग नहीं करती। पहले आईटी सेक्टर में अपना कारोबार करती थी लेकिन अब चूंकि आईटी सेक्टर अच्छा नहीं चल रहा है तो धीरे धीरे लोन और एनबीएफसी में अपना बिजनेस शिफ्ट कर रही है और यह कंपनी अब आरबीआई से रजिस्टर होने भी जा रही है। तो कंपनी का आप काम समझ गए, फंडामेंटल पर आते हैं। देखिए, मार्केट कैप है 637 करोड़ रुपए। जी, मार्केट कैप के लिहाज से कंपनी अब पेनी स्टॉक नहीं रही, स्मॉल कैप कंपनी बन चुकी है। शेयर प्राइस है 6.04 रुपये और यह डाउन ट्रेंड में है क्योंकि लोअर सर्किट लगा है तो जाहिर सी बात है डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। हाई देखेंगे तो हाई लगा चुका है 12.90 रुपये के आसपास, यानी करीब करीब 13 रुपये का हाई लगा चुका है। यहाँ से डाउन होकर 6 रुपये के आसपास आया है, तो अब यह कब ऊपर उठेगा और ऊपर उठकर अपना हाई को ब्रेक करेगा या उससे भी ऊपर जाएगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। फिलहाल ये समझ लीजिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर इस कंपनी से सामने आ रहा है उसके बारे में। इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि 14 फरवरी के दिन इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी। उस मीटिंग में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी का क्वार्टर 3 का नतीजा जारी करेंगे। तो ये जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट आने वाले हैं इस कंपनी के लिए काफ़ी मायने रखते हैं। देखिए, ऐसा उम्मीद है कि अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है, अच्छा आता है, तो इसमें अपर सर्किट लग जाएगा और कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो लोअर सर्किट बरकरार रहे और लोअर सर्किट लंबा चले। हालांकि ये कहना बेमानी होगा कि क्वार्टर 3 के रिजल्ट पर कंपनी का फ्यूचर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है। हमने अभी हाल ही में देखा है कि SBI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सुजलॉन एनर्जी के क्वार्टर 3 के नतीजे आए थे, काफ़ी अच्छे आए थे, उसके बावजूद भी इन कंपनियों के शेयर प्राइस में कुछ खास तेजी देखने को अब तक नहीं बनी है। तो इसलिए ये कहना गलत होगा कि अगर क्वार्टर 3 के नतीजे अच्छे नहीं आते हैं तो लोअर सर्किट ब्रेक नहीं होगा या अपर सर्किट नहीं लगेगा, शेयर का प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल एक और न्यूज़ है उसके बारे में समझिए। दूसरा न्यूज़ ये है कि कंपनी का नाम चेंज होने जा रहा है। जी, वैसे भी कंपनी का नाम काफ़ी बड़ा है, इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी, काफ़ी बड़ा नाम है। नाम छोटा और यूनिक होना चाहिए। तो ऐसा उम्मीद है कि अगले सप्ताह से इस कंपनी का नाम बदला नजर आए, तो अगर नाम बदल जाए तो आप चौंक मत जाइएगा क्योंकि कंपनी का नाम चेंज होने जा रहा है। अब आइए कुछ आगे बात करते हैं। हम जब देखेंगे पिछले क्वार्टर के जो कंपनी के नतीजे आए थे उसमें कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा था, 2.12 करोड़ से बढ़कर 2.14 करोड़, यानी कि करीब करीब हम देखेंगे तो 2 लाख के आसपास मुनाफा हुआ था सिर्फ 3 माह में। रेवेन्यू नहीं बढ़ा था लेकिन रेवेन्यू कम भी नहीं हुआ था, 2.25 करोड़ से 2.25 करोड़ ही रह गया था। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कंपनी का फंडामेंटल अभी बैड नहीं है, ठीक है, और अगर क्वार्टर 3 के नतीजे अच्छे आते हैं तब और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा इसका फंडामेंटल। अभी भी आप देखेंगे तो कंपनी के पास 132.61 करोड़ का रिजर्व है, सिर्फ रिजर्व 132 करोड़ का है और कर्जा 0 कर्जा, एकदम कर्जा नहीं है, डेब्ट फ्री कंपनी है यह। ओके, तो फंडामेंटल की कोई चिंता नहीं है। और आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, कंपनी टॉप 8 पोजीशन पर है अपने पीयर्स ग्रुप्स की जो कंपनियाँ हैं इसके, अर्थात इसके कंपटीशन की जो कंपनियाँ हैं उसमें यह कंपनी टॉप 10 में आती है, 8वें नंबर पर बरकरार है इंडियन इंफोटेक। इस लिहाज से भी कंपनी ठीक है। अगर रिटर्न्स की बात करें तो एक सप्ताह में सिर्फ इस कंपनी ने 4.27% का रिटर्न दिया। जी, 7 फरवरी के पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जब से लोअर सर्किट नहीं लगा, 4.27%। 6 माह में बात करें तो 225% का रिटर्न सिर्फ 6 माह में, और साल भर में आप देखेंगे तो 1040% का रिटर्न दिया है। कहाँ मिलता है इतना रिटर्न, सिर्फ स्टॉक मार्केट में मिलता है, वो भी क्वालिटी स्टॉक जब आप चुनते हैं तब। समझिए, इसमें थोड़ा सा लॉजिक बताता हूँ। 6 माह में दिया है 225% और 1 साल में 1040%। जो लोग 6 माह में ही अपना पैसा डबल ट्रिपल करके निकल गए होंगे वो तो सिर्फ 200 ही रिटर्न लेकर निकले होंगे, लेकिन जो लोग 6 माह इसमें और रुक गए होंगे वो इससे 5 गुना रिटर्न लेकर निकले होंगे। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि शेयर मार्केट में आप जितनी लंबी अवधि के लिए पैसा लगाते हैं आपको रिटर्न उतना ही तगड़ा मिलता है। दूसरी बात ये समझिए कि RSI अभी 40 के आसपास है इस कंपनी का, और अभी चूंकि लोअर सर्किट लगा है इसमें देख रहे हैं शेयर प्राइस डाउन जा रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि RSI भी थोड़ा नीचे जाएगा। कहने का मतलब ये कि RSI 30-40 के आसपास हो तो शेयर बाई करना चाहिए, आपको पता है, इसका मतलब अभी इसमें मौका है शेयर बाई करने के लिए। जो नए लोग हैं शेयर बाई कर सकते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। टारगेट देखेंगे, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे इसका टारगेट क्या रहेगा। टारगेट है 7.5 रुपये अगर शेयर का प्राइस अप ट्रेंड में जाता है, तो शॉर्ट टर्म इसका टारगेट रहेगा 7.5 रुपये के आसपास।
अब बात करते हैं कम्युनिटी सेगमेंट की, तो आप देखिए यहाँ 89% लोग इस कंपनी के शेयर को बाई कर रहे हैं, अभी बाई कर रहे हैं 89% लोग, क्योंकि मार्केट अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस डाउन जा रहा है, अपॉर्चुनिटी है बाई करने के लिए, तो लोग बाई कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4% लोग होल्ड कर रहे हैं, जो लोग पहले से बाई करके रखे हैं इस कंपनी के शेयर को तो होल्ड करेंगे ना, बाकी 7% लोग सेल कर रहे हैं, लोल है ये लोग जो सेल कर, एकदम बकलोल है। मैं बताता हूँ ये क्यों सेल कर रहा है, आप समझिए, जो लोग इस कंपनी के शेयर को 10 रुपये से ऊपर बाई किए होंगे तो स्वाभाविक है उनको घाटा होगा, और इतना लोल आदमी होता है जब शेयर का प्राइस ऑल टाइम हाई पर होता है उस समय बाई करता है अप ट्रेंड ग्राफ को देखकर, तो जाहिर सी बात है कि नुकसान होबे ना करेगा, तो उसको नुकसान हो रहा है तो अभी सेल कर रहा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अभी जब शेयर का प्राइस डाउन जा रहा है, अभी मौका है तो अभी बाई कीजिए, और फिर जब बढ़ेगा 7.5 रुपये के आसपास, अगर आप इसमें ज़्यादा लंबा होल्डिंग नहीं करना चाहते तो यहाँ बेचकर निकल जाइएगा, आपको कुछ मुनाफा हो गया रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो बातें बताई आपको समझ में आई होंगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अगर मन में कोई सवाल है तो मुझसे पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा, और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं यह भी कमेंट में बताइए, मैं उस पर वीडियो लेकर आऊँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।